हेलो, क्वेश्चन टू कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री रीड कर लें। मैक्सिको ओन्स अ फिश फिंगर फैक्ट्री, सो द प्रीमिसेस आर परचेज्ड ऑन जनवरी 1 2000 X1 फॉर 4,50,000 एंड डेप्रिसिएशन चार्ज है 2% ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। मैक्सिको विशेस टू रिवैल्यू फैक्ट्री प्रीमिसेस टू 8 लाख ऑन जनवरी 1 2000 X7 टू रिफ्लेक्ट इट्स मार्केट वैल्यू। अच्छा, 1 में उसने एसेट बाय किया है और 7 में उसको रिवैल्यू कर रहा है, तो कितने इयर्स हो गए? आफ्टर 6 इयर्स। ठीक है, तो पहले इसमें हमें 6 इयर्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका, क्योंकि इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है ना। ठीक है, तो पहले इसका एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद 6 इयर्स का एक्यूमुलेटेड, और उसके बाद फिर रिवैल्यूएशन पे। पहले तो इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट कितनी है? 4,50,000। डेप्रिसिएशन कितना है? 2% ऑन स्ट्रेट लाइन, मल्टीप्लाई करते हैं 2%, कितना बन जाएगा? 9,000। 9,000 तो 9,000 हो गया इसका एनुअल डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 9,000 इंटू 6, तो 6 इयर्स का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा 45,000। 9,654 होता है, 45 भी निकला मैंने, आप लोगों ने 54,000। अब लॉस गेन कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट कितनी है? 50, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 54,000, so 54 नेट बुक वैल्यू 396,000। ठीक है, और अब हमने रिवैल्यू कितने भी किया इसको? 8 लाख पे, तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन 4,04,000। गेन ऑन रिवैल्यूएशन आ गया 4,00,000 का। अच्छा, अब इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री बना लेते हैं, एसेट कौन सा है इसका? प्रीमिसेस है ना, प्रीमिसेस डेबिट कितने से? 3। कॉस्ट क्या थी इसकी? 450 रिवैल्यू किया हमने 8 लाख, तो कितना इंक्रीज आ रहा है? 350 का, 3,50,000 से प्रीमिसेस डेबिट। सेकेंड एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, डेबिट हो जाएगा कितना? 54,000 से, और गेन आपका क्रेडिट होगा, उसको लिखेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस। कितना हो गया गेन? 4,04,000। ये इसकी एंट्री होगी। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, रीड कर लेते हैं। स्प्रिंगफील्ड बॉट बट, अच्छा ये It bought property 25 years ago for 1 lakh.
depreciating it over 50 years straight line basis. At the start of 2006, the entity decides to revalue unit to 8 lakh. Unit has remaining useful life 25 years at the date of revaluation. It is the entity's policy to make annual transfer of excess depreciation between revaluation surplus and retained earning within equity. इसमें एक कंप्लीट प्रोसीजर आपको समझ आ जाएगा इसमें रिवैल्यूएशन में क्या होता है. अच्छा देखिए, इसने एसेट की लाइफ है 50 इयर्स और रिवैल्यू कब किया है 25 इयर्स के बाद. तो पहले तो हम इसका 25 इयर्स का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, पहले एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं के बाद ठीक. कॉस्ट है 1 लाख, लाइफ है 50 ईयर, स्क्रैप वैल्यू नहीं है इसकी, डिवाइड बाय 50 तो एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपके पास 2000. ठीक, अब 25 ईयर्स का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा 2000 डिवाइड बाय 25 ये आ जाएगा 50,000. अब लॉस गेन कैलकुलेट कर लेते हैं. कॉस्ट कितनी है मशीन की 1 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000, नेट बुक वैल्यू 50,000 और रिवैल्यू किया हमने इसे, रिवैल्यू कितने पे कर रहे हैं 8 लाख. गेन आ गया आपके पास, गेन ऑन रिवैल्यूएशन 7 लाख 50,000. ठीक, गेन आ गया 7,50,000. गेन लॉस हो गया. ठीक है, इसकी एंट्री क्या बनेगी गेन लॉस की, इसको रिकॉर्ड कर लें. चलिए इसमें हम अकाउंट्स भी बनाएंगे, कंप्लीट इसको करेंगे. अच्छा पहले तो इसका बैलेंस लिख लेते हैं. बिल्डिंग का कॉस्ट कितनी है 1 लाख है, और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000 हमने कैलकुलेट कर लिया. अब रिवैल्यूएशन की एंट्री बनाते हैं. एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग डेबिट कितने से 1 लाख कॉस्ट ही रिवैल्यू किया 8 लाख तो 7 लाख का, तो इसको बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज होगा. ये डेबिट करेंगे 50,000 से और रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो एडिट हो जाएगा 7,50,000. ठीक, ये तो रिवैल्यूएशन की एंट्री हो गई, इसको लेजर में पोस्ट भी कर देते साथ. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा 7 लाख से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा 50,000 से और रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 7,50,000. ये एंट्री हमने लेजर में पोस्ट भी कर. ठीक, अच्छा भी हमने रिवैल्यू किया था इसको स्टार्ट पे January 6 के स्टार्ट में, स्टार्ट ऑफ January 6. अच्छा ईयर एंड होगा हमारा December 6 में, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. करंट ईयर की बता रहा हूँ, रिवैल्यू कब किया हमने इसे, रिवैल्यू हमने किया था January 1 पे. ठीक है, और ये एंट्री हमने जो बनाई ये भी कब बनेगी January 1. अच्छा पूरे सामने इसको पूरे साल यूज किया, अब ईयर एंड हो गया आपका दिसंबर में, तो ईयर एंड पे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा. कैलकुलेट करेंगे 31 दिसंबर, अब आपका डेप्रिसिएशन रिवाइज्ड हो जाएगा. रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर. ठीक है, अच्छा फॉर्मूला लिख लेना, एक्सपेंस इक्वल्स टू. अच्छा अब बताएं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन क्या होगी.
क्या लगेगा? देखिए, अब यहाँ पे अगर मशीन बिल्डिंग अकाउंट को क्लोज करें, उसकी बैलेंस कितना आएगा? 8 लाख। और ये जो हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये तो क्लोज हो गया ना, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, अब इसका जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो हम 8 लाख को डेप्रिशिएट करेंगे। 8 लाख करंट मार्केट वैल्यू है ना, अब ये डेप्रिशिएट हो। ठीक है, 8 लाख रिवैल्यूड अमाउंट माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू नहीं है इसकी, तो डायरेक्ट हम डिवाइड कर देंगे इसको लाइफ से। हम लाइफ क्या देंगे? हाँ, देखिए, टोटल लाइफ थी इसकी 50 इयर्स, 25 इयर्स गुजर गए, 25 इयर्स के बाद रिवैल्यू कर रहे हैं, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 25 इयर्स। अब इसे हम डेप्रिशिएट करेंगे 25 इयर्स में, तो डेप्रिशिएशन कितना आ रहा है? 32,000। देखिए, ये आपका रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 32,000। हाँ, बनाएंगे। अब इसकी एंट्री क्या होगी? अब ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, इसकी एंट्री वही बनेगी, एंट्री सेम होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ट्रेड हो जाएगा 32,000। ये आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, भी बताएं एडजस्टमेंट क्या होगी? यहाँ पढ़े, देखिए, इट्स एंटिटीज पॉलिसी टू मेक द एनुअल ट्रांसफर ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन बिटवीन रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग विद इन इक्विटी। अच्छा, अब एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ? एक्सेस डेप्रिसिएशन, देखिए यहाँ लिखते हैं, एक्सेस डेप्रिसिएशन या करंट आ रहा ईयर का आ रहा है 32,000, प्रीवियस था 2,000, एक्सेस डेप्रिसिएशन 30,000। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो अभी आप एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उतना ही अमाउंट हम अपने रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल कर रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे, ये रिटेन अर्निंग में इंक्लूड कर लेंगे, ऐड कर देंगे, ताकि वो जो एक्सेस चार्ज हुआ वो सेट ऑफ हो जाए। वापस बोलिए, एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है? 30,000। इससे आपका प्रॉफिट क्या होगा? करंट ईयर का प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। तो इसका एडजस्टमेंट क्या होती है? जितना भी हम एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उतना ही अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट से निकालेंगे। तो देखिए, रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस कितना आ रहा है? 750 का। तो 750,000 में से 30,000 निकाल के हम रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। रिटेन अर्निंग मतलब प्रॉफिट है आपका, रिटेन प्रॉफिट, अनयूज्ड प्रॉफिट, उसे कहते हैं रिटेन अर्निंग। तो इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी? जितना एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, उतना ही अमाउंट हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल कर रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो वो जो एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? फिर एंट्री होती है रिवैल्यूएशन। जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो जाएगा ट्रांसफर के टाइम पे, और रिटेन अर्निंग अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 30,000। जो भी एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, उतना ही अमाउंट हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल कर रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे, तो आपका एक्सेस डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो जाएगा। तो हर ईयर यही होगा, फिर हर ईयर एंड पे एक्स 30,000 जो है वो हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर करते रहेंगे, जिससे आपका एक्सेस डेप्रिसिएशन एडजस्ट होता रहे। जी, अब बोलिए। अच्छा, ये इसकी एंट्रीज हो गई। ठीक है, अब एंट्रीज को पोस्ट करते हैं लेजर्स में। फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी, सेकंड भी हमने पोस्ट कर दी ना, डन। ये डेप्रिसिएशन वाली पोस्ट करते हैं। अब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जैसा कि थर्ड एंट्री पोस्ट करेंगे, तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट हो रहा है 30,000 से,
नया अकाउंट ओपन हो जाएगा, रिटेन अर्निंग ये क्रेडिट हो जाएगा 30,000, सर्टेनिटी पोस्ट हो गई, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, कंप्लीट कर। अच्छा ये एंट्रीज हमने पोस्ट कर दी, अकाउंट क्लोज करते हैं। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस आएगा टोटल 82,000, कैरी डाउन आ जाएगा इसका 32,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करेंगे, ये आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। वैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं तो कैरी डाउन आ जाएगा 7,20,000। रिटेन अर्निंग अकाउंट क्लोज करेंगे तो कैरी डाउन आएगा 30, ठीक है। बैलेंसेस हो गए, अब हम बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। अच्छा बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स पहले, फिर इक्विटी पे आएंगे। एसेट्स में बिल्डिंग को अब आपने किस वैल्यू पे दिखाएंगे, रिवैल्यूड पे ना, ठीक है। तो 8 लाख हमने रिवैल्यू किया था, कैरी डाउन भी 8 लाख है, तो बिल्डिंग की वैल्यू आप लेंगे 8 लाख, और इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगा तो एक्यूमुलेटेड का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है 32,000, 32,000 माइनस करेंगे उसकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी कितनी 7,68,000, ठीक है। और जब इक्विटी में क्या आ जाएगा आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना है 7,20,000, और रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना है 30,000। जब एक पॉइंट और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा जो हैंडआउट का था, सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन वाला, तो समझ में आया। बैलेंस शीट में हमने एसेट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सा लिया है 32,000 माइनस कर रहे हैं, यहां से 80,000 माइनस नहीं हो रहे ना, क्योंकि देखिए रिवैल्यूएशन से पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था 80,000, उसे हमने क्लोज कर दिया। अब सिर्फ हमने क्या किया 32,000 लेस हुए, यानी कि सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन आफ्टर रिवैल्यूएशन के बाद वाला। अब ये पॉइंट यहां पढ़ लेते हैं, कॉपी करेंगे इसको, पॉइंट ये लिखा था ना, एसेट इज कैरीड एट रिवैल्यूड अमाउंट, ठीक। तो बैलेंस शीट में हमने एसेट को रिकॉर्ड किया रिवैल्यूड अमाउंट पे, ठीक है 8 लाख, ठीक है। और आगे क्या लिखा था, फिर बीइंग इट्स फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन लेस सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन, तो लेस हमने क्या किया सिर्फ सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन 32,000, ये मतलब था इसका, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, आप कॉपी कर लें।